नोएडा पुलिस द्वारा नकली तंबाकू की तस्करी करने वाले 6 अभियुक्त गिरफ्तार। थाना सेक्टर 126 पुलिस ने अंतर जनपदीय अंतर्राज्यीय राज्यों में नकली तंबाकू की तस्करी करने वाले मास्टरमाइंड शिवम जायसवाल सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी क्राइम ब्रांच डीसीपी क्राइम शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि ये लोग दिल्ली वजीराबाद में नकली तंबाकू का कारोबार करते थे। लोग कर्नाटक में माल की सप्लाई करते थे। ये लोग तंबाकू प्रतिबंधित राज्यों में नकली तंबाकू को 3 गुना में बेच देते हैं। कब्जे से एक ट्रक सहित 4 पहिया कार और 148 नकली तंबाकू के बोरों सहित 16 आलू के बोरे एवं इकट्ठा 61,560 रुपये भी नोएडा पुलिस ने बरामद किए हैं। उपरोक्त अभियुक्तों को नकली तंबाकू को हंस छाप ब्रांड तंबाकू की पैकिंग के साथ नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और कितने लोग इसमें गिरफ्तार? नोएडा की सीआरटी टीम और थाना 126 की पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें एक ट्रक लदा हुआ मिला जिसमें 138 बोरी नकली तंबाकू था। नकली तंबाकू एक हंस नाम की कंपनी के फर्जी पैकेजिंग पे बनाया गया। ये तंबाकू भी फर्जी है। यह 16 बोरी जिसमें करीब करीब 1200-1300 किलो आलू बाहर की तरफ उसके पैकेट्स रखे गए थे ताकि कोई अगर चेक करे तो उसको बाहर आलू दिखे, और अंदर की तरफ ट्रक में अंदर की तरफ 138 बोरी तंबाकू था। इस तंबाकू का वजन करीब करीब 9.5 से 10 हज़ार किलो है और इसकी कीमत जो है वो करीब 2 करोड़ रुपये के आसपास है। इसमें 6 लोग बरामद भी हुए हैं और एक ट्रक बरामद हुआ है जिसमें ये लोग तंबाकू को दिल्ली से कर्नाटका ट्रांसफर करते थे, और इसके साथ साथ वो गाड़ी जो इनको कर्नाटका तक रेकी कराती थी वो गाड़ी भी बरामद हुई। इसमें जो मेन मास्टरमाइंड है उसका नाम शिवम जायसवाल है, जिसका ये सामान भी था और ये सामान वहाँ प्रोवाइड कराता था। इसमें कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट और IPC की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कहाँ बनाते थे सर? कब से ये लोग दिल्ली में एक जगह है वजीराबाद में इनकी फैक्ट्री थी, तो ये लोग असली केमिकल्स डालने की जगह जो सस्ता चूना होता है उस चूने को का उपयोग करते थे, और उसके बाद चूने का उपयोग करके नकली तंबाकू बनाते थे, उसको सेल करते थे। हम लोगों ने इसका भी परीक्षण के लिए हम लोगों ने भेजा हुआ है, और इसमें हम लोगों ने GST विभाग को भी सूचना दी है कई बार, क्योंकि ईवे बिल भी इनके पास हमें कोई बरामद नहीं हुआ तो ये लोग टैक्स से चोरी भी करते हैं, तो हम लोगों ने GST विभाग को सूचना भी इसकी दी है और इसके परीक्षण के लिए इसकी रिपोर्ट भी गई हुई। ये कब से काम कर रहे थे? किसी पर्टिकुलर इंसान को देते थे? ये लोग कर्नाटका में, क्योंकि इसमें 3 लोग तो कर्नाटका के ही हैं, तो ये लोग कर्नाटका तक ले जाते थे, उसके बाद इसको इलीगली ब्लैक में वहां सप्लाई करते। इसकी क्या कीमत है? करीब 2 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। ठीक है।